पंचायती पी से कृषि संशोधन केंद्र की ओर से नेरी तथा नागबीड में रक्त चंदन की खेती इस विषय पर किसान मेला तथा रक्त चंदन का बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र घाघरे ने चंदन खेती यानी किसानों के लिए सोने की खान है तथा जागरूक किसान युवक युवतियों ने चंदन खेती को आत्मसात करने का योग्य समय है ऐसा मार्गदर्शन किया। विदर्भ के किसान समृद्ध होकर उनकी आर्थिक उन्नति हो इस उद्देश्य प्रेरित होकर चिमूर तहसील के सातारा के घनश्याम जी पीसे कृषि संशोधन केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर किसानों को मार्गदर्शन तथा मदद की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए नेरी ग्राम पंचायत के सरपंच सौरेखा नाना जी पीसे, संजय डोंगरे, प्राध्यापक राम राउत, घनश्याम पीसे, प्राध्यापक डॉक्टर अजय पीसे, पूर्व सरपंच रामदास सहारे, वसंत आस्टनकर, दादाराव पीसे, डॉक्टर सुनील पीसे तथा अनेक मान्यवर उपस्थित थे। पारंपरिक खेती से जिस प्रकार का आर्थिक उत्पादन होना चाहिए उतना न होने के कारण आज ग्रामीण भाग का किसान चिंता में पड़ गया है और उसे खेती में नए नए प्रयोग करने की जरूरत है। इसके अलावा किसानों की आर्थिक समृद्धि संभव नहीं ऐसा मार्गदर्शन प्राध्यापक राम राउत सर ने किया। नए नए प्रयोग से किसानों की आर्थिक प्रगति हो सकती है। चंदन खेती यह उत्तम पर्याय हमारे सामने है और हम सभी ने अपने खेती के बांध पर चंदन के पेड़ लगाए यही योग्य समय है ऐसा मार्गदर्शन संजय डोंगरे ने किया। घनश्याम जी पीसे कृषि संशोधन केंद्र की तरफ से इच्छुक किसानों के लिए मुफ्त रक्त चंदन लगाने की जानकारी तथा बीज उपलब्ध करके दिया जा रहा है। इसका सभी किसानों ने लाभ ले ऐसा आह्वान केंद्र के मुख्य प्रवर्तक प्राध्यापक डॉक्टर अजय पीसे ने किया। इस मौके पर हरित मित्र परिवार के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र घाघरे का सत्कार सरपंच सौरेखाताई पीसे के हाथों किया गया। कार्यक्रम का संचालन तथा आभार प्रदर्शन विलास पीसे ने किया। कार्यक्रम को सफल करने के लिए घनश्याम जी पीसे कृषि संशोधन केंद्र के कार्यकारी मंडल सदस्य आदित्य पीसे, मानिक पीसे, प्रमोद पीसे, शिगाल पाटिल, भास्कर सोनवाने, प्रकाश वाघमारे, संजय मेश्राव, भीमराव कांबड़ी, किशोर ढारे आदि ने अथक मेहनत ली। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।